सभी को वेलकम टू प्रीति तनवे ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। बाबा मोहनराम की कृपया आप सब पे बनी रहे। तो जैसे कि आप सबको पता है, संडे ब्लॉग होता है देवताओं का, लेकिन आज तो सिचुएशन कुछ और ही है। देवताओं पे जाने की पता नहीं कैसे जा पाएंगे। बारिश क्योंकि हमारे यहाँ कंटिन्यू हो रही है, डेली बारिश होती है, चाहे थोड़ी देर के लिए होती हो चाहे कैसी, लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही है। और अब ऐसे में खेत पे जाना, खेत में भर रहा होगा पानी और ज़बरदस्त गिरते पड़ते आएंगे अब देखो। लेकिन वही है, जाना तो है ही। और आज जिद कर रहा है पार्थ भी जाने की कि मम्मी आज मुझे भी जाना है। पहले ही बोला था कि मम्मी संडे है, मुझे देवताओं पे जाना है, मुझे भी पूजा करके आनी है देवताओं पे। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊँगी, और जब मैं कैसे जाऊँगी तो पार्थ को कैसे लेके जाऊँगी। क्योंकि अब तो ऐसे भी नहीं कि भी पानी उसमें है, सूखे में तो गोदी में लेके चली जाती, गीले में तो मुझे खुद लगेगा कहीं मैं ना गिर जाऊँ, और पार्ट को लेके लगेगा कहीं ये ना गिर जाए मेरे साथ में। आज अब भी अब आप हमारे यहाँ का मौसम देख सकते हो, कंटिन्यू बारिश हो रही है, और उस वजह से अभी भी ऐसी मौसम हो रहा है जैसे बारिश का सा हो रहा हो। समझ नहीं आ रहा कुछ भी, पर चलो करते हैं जाने की तैयारी। तो जुड़े रहे ब्लॉग में एंड तक, देखते हैं आज कैसे कैसे जाया जाएगा। तो मैंने जोत कर दी। बोलो बाबा मोहन राम की जय, नीले घोड़े वाले की जय, सच्चा द्वारा काली खोली धाम हमारा। जय हो जय हो जय हो, भोले बाबा की जय। सावन चल रहा भी, बाबा के भी जयकारे लगने चाहिए। तो मेरी पूजा हो चुकी है, आप सब भी धूप ले लो। खेत में बढ़ने का ही डर है मुझे, अब देखते हैं चल के। कहाँ से खेत में बढ़ के, खेत में तो और धसेगा अगर इस पे चला गया डॉले डॉले पे, जो ना धसने का। आ जाओ चल, ये जो साइड में ये आ रही है ना, ये पकड़ पकड़ के चल रहा है। हाँ आराम से आराम से आराम आराम से इन्हें खींच कर मत, चल बस पकड़ पकड़ के। हाँ आराम आराम से, मैं भी तो चल रही ऐसे। हाँ ऐसे ये है गिरा आराम से। अब मिलेगी, आ गई ये पड़ी, लेट गई अभी। आप कहते हो ना ये रात को लेट जाती है, सुबह उठ जाती है, तो देखो ये सो गई। इसके ऐसे चलना है, ऐसे ऊपर का निकल के। ओए मैया, अब नीचे उतर जा, अब नीचे उतर। चलो ऐसे ही चलेंगे। अरे मैया, पार्क ऐसे मत करो बेटा, खराब हो जाएंगी द्वार।
इधर लग भी जाएंगी, इधर आ जा, देखिए हाँ खा लिया, यहाँ आ जा। अभी मत चल वहाँ से, आ जाओ पीछे पीछे मेरे। नानी नानी कहाँ है यहाँ? जय हो देवता महाराज की जय, जय जय जय। माँ जी नहीं, बाबा और माँ जी, वो नानी नहीं है, माँ जी और बाबा को आवाज लगा लगाई माँ जी, किसी और दूसरे खेत में गई होंगी तो आज। बुग्गी तो ही खड़ी है, लेकिन इसे मैं चीज तोड़ लेती देवताओं के लिए। देख आवाज तो आ रही है बाबा की, बाबा की तो आवाज आ रही, पार्थ बाबा की आवाज आ रही। देखो आ रही, देख कितने अच्छे फूल तोड़ लिए। यार तू जावे मत ना, खेत गीले हो रहे हैं। वहीं रह दे, कह रहे पापा भी आ जाऊं। अरे इधर आ, आ जाओ। हाँ जब आओ, जब ले आइयो, आ जा। ये जब आएंगे ना मम्मी, जब ले आएंगे। फूल चढ़ा देंगे वहां से, वहां से पहले बड़े पे, बड़े पे। एक ये रहा, लो वहां से, वहां से पहले बड़े पे। और चाटा मार दूंगी जब की बार ऐसा करा तूने। थोड़ा थोड़ा सब पे चढ़ा, पहले बड़े पे ऊपर चढ़ा, ऊपर इनके जहाँ फूल रखे हैं। दोनों हाथ लगा के, दोनों हाथ लगा के ऐसे। हाँ अब सारा इन पे चढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, और बताना पड़ेगा। चल हाँ तो आज चढ़ा लो ना। नहीं सारा चढ़ा दे भाई, अब हाथ जोड़ो चलो वहां से ही देख। बैठ के आराम से, हाँ जोड़ो। जय देवता महाराज की, जय तो करते रहे देवता।
दो दो करके लिया, जब तेरे हाथ में नहीं आ रहे इतने सारे। ए हैं। आज मैंने पार्थ से पूजा इसलिए कराई थी क्योंकि पार्थ का बहुत ज़्यादा मन था। एक तो इसने मुझे कल ही बोल दिया था कि मम्मी मुझे पूजा करके मुझे पूजा करनी है, मुझे देवताओं पे जाना, जबकि ऐसा ये कभी ही बोलता है, शायद ही कि हाँ मतलब खेलने की वजह से। लेकिन जब इसने मुझे बोला ना कि मम्मी मुझे जाना और मुझे देवताओं पे पूजा करनी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो हर बार करके ही आती हूँ। फिर इसने मुझे बताया कि हाँ मुझे ना सपना आया था, फिर मैं देवताओं पे गया था, मैंने पूजा की थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि बच्चे का खुद का मन हुआ है और उसे ऐसा है, तो मैंने कहा ठीक है मैं पार्थ से ही पूजा कराती हूँ, इसलिए मैं पार्थ को लेके गई। सब कुछ आज इसने ही किया। तो फाइनली हम घर पर आ चुके हैं, दर्शन कराए देवता महाराज के, लेकिन उन्होंने भी बड़ी लाज रखी। यहीं से मौसम दिखाया था मैंने आपको, ऐसी हो रहा था, लेकिन फिर अच्छी धूप निकल गई। सही कहा है, मन सच्चा तो सब अच्छा। मन सच्चा ही था कि हाँ भाई चाहे मौसम कैसा ही हो लेकिन मुझे देवताओं पे जाना है। तो देवता महाराज ने भी अपनी कृपा दिखाई और मौसम ठीक रहा, हम तो ठीक ठाक गए। बस पार्थ ये थोड़ा छोटा है बच्चा, उसे चलना नहीं आता। वो जो किनारी सी बनी होती है जिसे डोले बोलते हैं, उस पर अगर चलते हैं तो ठीक से चल लेते हैं, लेकिन पार्ट पे नहीं चला जाता। और फिर गलती उसकी भी नहीं है, दोनों साइड से ज्वार है, इस साइड भी ज्वार थी, इस साइड भी ज्वार थी, तो उसके बीच में भी थोड़ा ऐसा हो रहा था, तो पार्ट ने तो वहीं पटोक खा ली। लेकिन फिर भी ठीक है, आ गए। और आपने देखा पार्थ जिद कर रहा था, जामन का पेड़ लगा हुआ है वहाँ पे ही खेत में। अब कल तो वो टूट टूट के गिर गई होंगी, तो फिर भी पार्थ ने थोड़ी सी खा ली थी। और फिर अपनी माँ जी से, माँ जी मुझे अमरूद चाहिए, मम्मी रोज़ डेली अमरूद लेके आती है क्योंकि हमारे यहाँ पे अमरूद के पेड़ हैं, तो डेली लेके आती है मम्मी। आज भी मम्मी ने पहले से ही तोड़ के रख रखे थे, लेकिन पार्थ को नहीं ले, अभी दो, और वरना डेली लेके आती है। इसके लिए डेली बोलता है माँ जी मुझे अमरूद चाहिए, बल्कि ये भी बोलता है मुझे गन्ना चाहिए, भी बोल रहा था मैं गन्ना लेके आऊँगा। मैंने कहा गन्ने का सीज़न नहीं है बेटा, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। ये सोचते हैं जो ज्वार हो रही है ये भी नीचे से ऐसे लगते हैं, पहले मैं भी इनको गन्ना ही सोचती थी, मुझे नहीं पता था ये ज्वार होती है। फिर मैंने इनसे पूछा था एक दिन, मैंने कहा ये गन्ने गर्मियों में भी होते हैं क्या? फिर ये कहने लगे गन्ने नहीं है, ये न्यार है, ये ज्वार बोलते हैं इसे। तो वही सेम पार्ट ने सोचा। तो मैं आ गई, मेरा संडे ब्लॉग देवताओं का बहुत अच्छा रहा, सुकून मिलता है मुझे हर संडे वहाँ जाके। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, हर जगह शेयर करो अपने जहाँ भी आप एक्टिव हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।